एक रोचक खबर न्यूजीलैंड से आ रही है, आप इस खबर को ध्यान से देखिएगा। न्यूजीलैंड में जब कोरोना संक्रमण 100 दिन तक नहीं आया, यानी 100 दिन में एक भी मरीज नहीं आया, तो वहां की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को भारतीय मंदिर की याद आई। वह भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंची और भगवान श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा को ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की याद आई जब 2 दिन बाद पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाना है। भारत में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेक कर सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। खासतौर पर न्यूजीलैंड स्थित भारतीय समुदाय ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा का दिल से आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेक कर जिस भारतीय आस्था में विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए वह उनके आभारी रहेंगे। इस मौके पर रविवार को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने मंदिर पहुंची और प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके बाद पीएम जैसिंडा ने भारतीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। आपको यहाँ बताते चले कि रविवार के न्यूजीलैंड के कोरोना मुक्त हुए 100 दिन हो गए हैं। बता दें कि न्यूजीलैंड में जीवन पटरी पर लौट चुका है और सामान्य सावधानियों के अलावा किसी भी तरह के प्रतिबंध लागू नहीं है। रविवार को कोरोना फ्री होने के 100वें दिन के मौके पर जैसिंडा श्री कृष्ण मंदिर पहुंची। अर्डन ने सितंबर में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले ऑकलैंड में राधा कृष्ण मंदिर का दौरा किया। इस दौरान अर्डन ने भारतीय शाकाहारी खाने का स्वाद लिया, जिसमें पूरी, छोले और दाल शामिल रहे। मंदिर के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपने जूते बाहर ही उतारे और पूरे सम्मान के साथ आरती में शामिल हुए। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। For a roaring victory. Welcome, Prime Minister. This is the temple which is the oldest
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।